तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी अविश्वसनीय तकनीकें और टूल्स जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम में क्रांति ला दी है। मिस्टर मैनहोल, जब सीवर के ढक्कन रोड से नीचे चले जाते हैं तो उनसे रोड पर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्हें ठीक करने के काम में इस्तेमाल होती है मिस्टर मैनहोल नाम की यह मशीन। इस मशीन को इस्तेमाल में लाने से पहले इसके चारों ओर एक कवरिंग कर दी जाती है जिससे गंद वगैरह ना मचे। फिर यह मशीन गोल गोल घूमकर उस ढक्कन को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद उस पुराने ढक्कन की जगह एक नए ढक्कन को लगा दिया जाता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ढक्कन की ऊंचाई ना ही रोड से ऊपर हो और ना ही नीचे, ताकि दुर्घटनाएं ना हो। जिपर ट्रक, इस प्रकार की तकनीक अमूमन देखने को नहीं मिलती, मगर जिपर ट्रक नाम का यह ट्रक टनल बनाने के काम में लाया जाता है। टनल की मोटी टाइल्स लगाने से पहले इस ट्रक को उस जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर कारीगर इस ट्रक के ऊपरी सिरे के सांचे के अनुसार एक्सकवेटर की मदद से उन ब्लॉक्स को लगाते जाते हैं। जैसे जैसे निर्माण पूरा होने लगता है तो ट्रक को भी धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाता रहता है। लेकिन यह कंक्रीट के ब्लॉक ट्रक के साथ घर्षण के कारण बाहर नहीं आते, क्योंकि ट्रक के उस ऊपर वाले सांचे पर छोटे छोटे टायर लगे होते हैं जिनके कारण मानो ट्रक फिसलता हुआ बाहर आ जाता है। सिस्टेको टोर्नेडो, यह बेहद क्रांतिकारी मशीन दीवारों पर लगे दाग धब्बे या फिर गैर कानूनी रूप से दीवारों पर पेंट वाले इश्तिहारों को बड़ी ही सफाई से मिटाने का काम करती है। यह मशीन एक प्रकार की लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करती है और दीवार के पेंट एवं दीवार को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना यह उस दाग धब्बे को साफ कर जाती है। यही नहीं, इस मशीन के माध्यम से टाइल्स के बीच में जमा होने वाली गंदगी को भी साफ किया जा सकता है। लॉक्सम, लेंटर डालने से पहले सरिये की लेयर्स को बिछाया जाता है और उन्हें एक साथ बनाए रखने के लिए लोहे की पतली वायर से आपस में कसा जाता है। यह मशीन उसी काम को बड़ी ही रफ्तार से कर जाती है। इस मशीन के एक बटन दबाते ही सरिये के जॉइंट पर यह लोहे की बेहद कड़ी गांठ को मार देती है। कई देशों में इस काम को अभी भी हाथों से ही किया जाता है जिससे काफी समय तो लगता ही है, साथ ही साथ हाथों को भी तकलीफ पहुंचती है। बैरल मूवर 5000, रोड पर सुरक्षा के लिए रखे जाने वाले यह बैरल दरअसल में रोड पर काफी बार इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें रोड पर चेतावनी के लिए रखा जाता है और जब इन बैरल्स की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें इस प्रकार की मशीन के द्वारा रोड पर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है। इस मशीन के अगले हिस्से में छोटे छोटे टायर्स लगे होते हैं। जैसे ही यह मशीन इन बैरल्स को छूती है तो वह बड़ी ही सटीकता से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और रोड पर गिरते नहीं है।
दवर्जर। जब भी रोड को चौड़ा करना होता है तो इस प्रकार की मशीन को रोड की साइड वाली जगह पर इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रोड की साइड को बड़ी सटीकता से काटती तो है ही, साथ ही साथ रोड के किनारे जरा सा भी गंद पीछे नहीं छोड़ती। इंडक्शन बेंडिंग। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई जगहों पर मुड़े हुए पाइप्स की जरूरत पड़ती है। यह मशीन उसी काम को बड़ी ही रफ्तार से और बेहद अच्छी फिनिशिंग के साथ कर जाती है। ग्रैब एंड ड्राइव। यह रोबोटिक मशीन खेतों में मोटी एवं भारी लकड़ियों को गाड़ने के काम आती है। यह एक अकेली ही मशीन 3-4 लोगों का काम अकेले कर जाती है। पहले यह मशीन लकड़ी के इन लट्ठों को जमीन में किए गए छेद में रखती है और फिर उनके ऊपर जरूरत के हिसाब से दबाव डालकर उन्हें जमीन में धंसा देती है। यही नहीं, इस मशीन के माध्यम से लकड़ी के इन खंभों को जमीन से निकाला भी जा सकता है। वैक्यूम पावर हैंडी। कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें बेहद सटीकता से करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टाइल्स लगाना। छोटी टाइल्स को लगाना तो आसान होता है, मगर इस प्रकार की भारी एवं बड़ी टाइल्स को लगाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो टाइल्स पर वैक्यूम प्रेशर बना के उनसे चिपक जाती है। फिर उसके बाद बेशक टाइल्स कितनी भी भारी हो, उसे उठाकर बड़ी ही सटीकता से दूसरी टाइल्स के आगे बैठाया जाता है। PCM 2500। सड़कों के किनारे बनने वाले साइड ब्लॉकर्स को सीधी लाइन में बनाना आसान होता है, जिसके लिए काफ़ी मशीन्स भी हैं, मगर इन्हीं रोड ब्लॉकर्स को अगर गोलाई में बनाना हो तो PCM 2500 नाम की इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन बड़ी ही सटीकता और सफाई के साथ गोलाई में इन रोड ब्लॉक्स को बना जाती है। यही नहीं, यह मशीन सीधी लाइन में भी रोड ब्लॉक्स को बनाने में सक्षम है। रोरवर लेस डॉर्न। सीवर के लिए लगने वाली पाइप्स को सही प्रकार से गड्ढों में डालना बेहद मुश्किल काम होता है। काफी देशों में इन पाइप्स को गड्ढे में डालने के लिए JCB के द्वारा धक्का मार मार कर गड्ढों में डाला जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी पाइप्स टूट भी जाती हैं। मगर यह मशीन बड़ी ही सफाई से इन पाइप्स को एक सिरे से उठाती है और फिर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए गड्ढे के अंदर फेंकने के बजाय सीधे दूसरी पाइप्स के मुंह के बिल्कुल सिरे पर जाकर रखती है, जिससे काम में फिनिशिंग तो अच्छी आती ही है, काफी समय भी बच जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।